हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन इन योर हैंड्स। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्लास 12 की माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम करेंगे उसका चैप्टर नंबर 11 जो कि है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। नाम से ही क्लियर है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मार्केट क्या होते हैं, उसके फॉर्म्स क्या होते हैं। तो चार फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली। ओके, सो मार्केट क्या होती है इकोनॉमिक्स में? मार्केट वो नहीं होती जो हम लोग सब्जी मंडी कहते हैं या फिर बिग बाजार कहते हैं। इकोनॉमिक्स में मार्केट बस एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का कॉन्टैक्ट होता है और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये कोई जगह, एक पर्टिकुलर प्लेस भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। इसका मतलब कि ये मार्केट इकोनॉमिक्स में जो है वर्चुअल, मतलब वर्चुअल तो नहीं कहेंगे उसको, कह सकते हैं हम लोग टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। सो मार्केट रिफर्स टू अ मैकेनिज्म और एन अरेंजमेंट दैट फैसिलिटेट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट कोई भी एक जगह या कोई भी एक मैकेनिज्म जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का कॉन्टैक्ट हो और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो, वो उसको हम मार्केट कहेंगे। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं कि साइज ऑफ मार्केट कितना होगा, तो हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन या ज्योग्राफिकल एरिया की बात नहीं करते हैं। जब हम लोग बात करते हैं कि बहुत बड़ा मार्केट है, इसका मतलब बहुत वॉल्यूम्स में गुड एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है, ना कि ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है, सो फॉर्म्स ऑफ मार्केट हमने देखा था चार हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन नाम से थोड़ा क्लियर है कि परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है, सब लोग बैलेंस में, सब लोग एक जैसे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड विथ नो कंट्रोल ओवर प्राइस बाय एन इंडिविजुअल फर्म। सो ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, और हर एक फर्म एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाता है और यहाँ पे प्राइस सेम है। किसी भी फर्म के ऊपर कंट्रोल नहीं कि वो प्राइस को आगे या पीछे, मतलब ज़्यादा ही कम कर सके। ठीक है, ये है परफेक्ट कंपटीशन। सारे लोग एक जैसे हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स हैं, सब एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और किसी के पास भी प्राइस को कंट्रोल करने का पावर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। ठीक है, पहला है, पहले तो डेफिनेशन से ही दो तीन फीचर क्लियर हो गए। एक तो हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स हैं और सेलर्स तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। तो जो भी फर्म इस कंपटीशन में जो है अपना प्रोडक्ट बनाता है, वो बहुत सारे फर्म्स है, एक फर्म नहीं, बहुत सारे फर्म हैं। इस परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा के लिए वही का सेम रहे। समझ रहे हैं? सो ये बस एक कह लीजिए कि फॉर्म है जो कि हम लोग बस यूं ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक अज्यूम करके चलते हैं, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहाँ के बहुत सारे लोग एक टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, तो पहला तो फीचर हो गया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि हर एक एक ही टाइप का चीज़ बना रहा है, तो किसी भी जो फर्म है उसका लिमिटेड मार्केट शेयर है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे कंपटीशन है तो अब एक ही चीज़ बना रहे हो तो हम इधर से भी ले सकते हैं, उधर से भी ले सकते हैं, प्राइस भी सेम है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लिमिटेड मार्केट शेयर होता है हर एक का, इंडिविजुअल फर्म का। दूसरा आता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब कि हाइट, वेट, कलर्स, हर एक प्रोडक्ट का एकदम एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो ये तो नाम सुनने में बेचीता लगता है कि जितने भी फर्म हैं वो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही प्राइस पे और एक ही क्वालिटी पे भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फर्म है जो बना रहा हो वो एग्जैक्टली डिटो सेम है फर्म बी के, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसलिए ये बस एक अजम्पशन है कि हम लोग इस टाइप के कर सकते हैं। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर इतने सारे लोग बना रहे हैं और एक ही चीज़ बना रहे हैं, तो जो कंज्यूमर्स हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को तो परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो इस वाले कॉम्पिटिशन में जो कंज्यूमर्स होता है, इनको परफेक्ट नॉलेज होता है हर एक प्रोडक्ट का, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सेम है। जो ये बना फर्म ये बना रहा है, फर्म बी भी बना रहा है, वही फर्म सी भी बना रहा है। ठीक है, अब आता है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट मतलब कोई भी फर्म
इस कंपटीशन में आ सकता है और छोड़ सकता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं दो पीरियड के, शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड। आपको पता है शॉर्ट टर्म पीरियड में मतलब, और लॉन्ग टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड अभी बस ये समझ लीजिए कि थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड मतलब ज़्यादा टाइम के लिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर प्रोडक्ट्स सारे सेम है, प्राइस भी सेम है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में कोई भी फर्म जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता है? नहीं, या लॉस में जा सकता है? नहीं, क्योंकि सब जगह सेम है, सब क्वालिटी भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम, तो कैसा हो सकता है? तो लॉन्ग टर्म पीरियड में जितने भी फॉर्म है सब नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है कि जितना एक इंडिविजुअल जो है एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लोग कमाते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ छोटे से समय के लिए जो है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस भी हो सकते हैं फर्म को। अब मान लीजिए किसी ने क्या किया कि मार्केट प्राइस है कि 10 रुपीज़ ही है, हर चीज़ का नाम 10 रुपीज़ है, प्रोडक्ट का नाम 10 रुपीज़ है, ये फिक्स है, इससे नीचे नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जाता। किसी ने मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए क्या किया, 10 से 8 कर दिया, तो उसको तो बहुत सारे डिमांड आने लगे। अब मान लीजिए कि उसको 6 रुपया ही लगता है और मार्केट प्राइस 10 है, ठीक है, तो उसको तो डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगेगी कि सब लोग चलेंगे, चलो 8 ही लग रहा है, बाकी समय तो 10 लग रहा है, तो मैं छोटा फिगर ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत बड़े फिगर्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा क्या होगा कि बाकी लोग, बाकी जो फर्म्स है वो तो कहेंगे कि ये तो गलत बात है, आपने मार्केट प्राइस फिक्स किया हुआ है कि 10 रुपीज़ है, तो आप 8 में कैसे बेच सकते हो? ठीक है, तो ये इससे क्या होगा कि वो जो 8 में बेच रहा तो कुछ टाइम के लिए तो कमा लेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसको कुछ टाइम के लिए एक्स्ट्रा नॉन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उससे या उसका डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे के सारे सेलर्स उसी के पास आ जाएंगे, भला कोई क्यों जाएगा बाकी लोग के पास जब उसको कम में मिल रहा है। ठीक है, अब उस केस में क्या हो जाएगा कि इसका इसका जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जैसे ही सप्लाई बढ़ने लगेगा फिर क्या होगा कि इसका मार्केट प्राइस मतलब इसको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे क्या होगा, उससे गड़बड़ी आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ओवरफ्लो हो जाएगा काम का उसका। हाँ, और उस फर्म को फिर बंद होना पड़ेगा। अब वहीं किसी फर्म को लॉस होने लगता है, मतलब एक्चुअली बंद होने से पहले उसको लॉस होने लगेगा, और जैसे ही उसका लॉस होने लगेगा वो क्या करेगा कि उसको कवर अप करने के लिए जो है प्राइस को या तो फिर से बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा तो फिर वही हो जाएगा, फिर उस फर्म की सिचुएशन हो जाएगी बहुत ज़्यादा गड़बड़, क्योंकि बाकी सब फर्म्स तो इन्जॉय कर रहे हैं अपना नॉर्मल प्रॉफिट, और इसने क्या किया कि पहले प्राइस कम करके सप्लाई इतना ज़्यादा बढ़ा लिया कि अब जो है ये ना उस टाइप से डिलीवर नहीं कर पा रहा है, अब उसको लॉस होने लगा, तो लॉस होने के लिए कवर अप करने के लिए उसको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना पड़ा, तो उससे क्या हुआ उसका मार्केट शेयर भी चला गया, और फिर मार्केट शेयर भी चला गया, मार्केट शेयर चला गया तो इसमें तो लोग के पास है, ठीक है तुम नहीं दे सकते हो, तुम बाकी में जा रहे हैं, तो उस तरह से वो हट गया। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए नॉर्मल प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म के लिए तीनों केसेस हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस। अब आता है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, जितने भी फर्म्स हैं वो सब लोग इंडिपेंडेंट है कि कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने भी फर्म्स हैं उन लोग में कोई समझौता नहीं हो सकता है, क्यों समझौता होगा भला, कैसे होगा कि सब लोग एक ही चीज़ बना रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई समझौता नहीं कि कोई कितना भी बनाए, हो सकता है ए 10 यूनिट्स बनाए, बी 20 यूनिट्स बनाए, सी 15 यूनिट्स बनाए, ऐसा कुछ नहीं है कि सब लोग अपना इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे कोई टाइप का अग्रीमेंट या फिर फॉर्म ऑफ मर्जर ये सब नहीं होता है। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। फिर आता है परफेक्ट मोबिलिटी, परफेक्ट मोबिलिटी यहाँ बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। ठीक है, जैसे कि मोस्ट प्रॉब्ली लेबर, ठीक है, लेबर या एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं, ज़्यादा हो सकता है ये, वो इसलिए क्योंकि हर एक जो है फर्म एक ही टाइप का बना रहा है, ठीक है, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहा है, कंज्यूमर्स के लिए सारे जो फॉर्म्स हैं वो एक ही हैं, तो जो लेबर है वो सबसे ज़्यादा तो वहीं जाएगा जहाँ उसको सबसे ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वहीं जाएंगे जहाँ उनको बेस्ट प्राइस मिलेगा। ठीक है, और इसलिए इसको परफेक्ट मोबिलिटी, क्योंकि उनको अभी परफेक्शन मिल रहा है, क्योंकि जहाँ उनको बेस्ट मिलेगा वो वहीं जाएंगे। और लास्ट आता है नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का मतलब है कि बहुत बार क्या होता है कि जो फर्म्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगता है
किसी भी कंज्यूमर को देने के लिए बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी लगता है ना। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाता है, क्योंकि प्राइस हर चीज़ का सेम होता है, तो जो फर्म्स होते हैं वो जनरली करते रहते हैं, ट्राई करते हैं कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उनको नहीं लगे, एक्स्ट्रा कॉस्ट इसका कोई भी नहीं लगे, क्योंकि अगर उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने लगेगा तो उनका मार्केट शेयर घट जाएगा, क्योंकि सब सारे फर्म का प्राइस सेम है। ठीक है, सो ये वाला परफेक्ट कंपटीशन में आप ये कह सकते हैं इसका डिमांड कर्व बिल्कुल भी परफेक्टली इलास्टिक है। ठीक है, मतलब कि एक प्राइस पे एक फर्म कितना भी प्रोडक्ट चाहे, कितना भी 100 यूनिट 200 यूनिट जितना भी चाहे वो बेच सकता है, लेकिन ज़रा सा भी ऊपर या नीचे होगा तो उसका सारा डिमांड वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा ही था लॉन्ग टर्म में होता है नॉर्मल प्रॉफिट उसको, और शॉर्ट टर्म में उसको सिर्फ तीनों चीज़ें हो सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स भी और लॉसेस भी। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन पर, जो कि है मोनोपोली कॉम्पिटिशन। मोनोपोली कॉम्पिटिशन ये एक टाइप का कंपटीशन है जिसमें कि सिर्फ एक सेलर होता है और सिर्फ वही वो प्रोडक्ट बेच सकता है, और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। ठीक है, मोनोपोली मतलब बस एक सिंगल सेलर। ठीक है, तो फीचर्स में क्या होते हैं, सबसे पहले वही है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है कोई फर्म, वो फर्म सिर्फ वही फर्म वो प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसके बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, सो इसमें मोनोपोली में आप अगर आपने कभी मोनोपोली ट्रेडिंग गेम या बोर्ड गेम खेला होगा, तो उसमें प्लेयर तब जीतता है जब बाकी के सारे लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं और सारा चीज़ उसके पास होता है। सो उससे आप ये टर्म अगर आपने खेला तो याद रख सकते हैं कि मोनोपोली मतलब कि सिंगल सेलर, सारा चीज़ उसी के पास है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होता है ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ऑब्वियसली बात है, अगर एक सिंगल सेलर है तो बाकी लोग क्यों नहीं आ सकते, इसका मतलब बाकी सब में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और जनरली मोनोपोली जो है गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट की जैसे रेलवेज हो गए, हाँ, फिर डिफेंस हो गया, ये सब में मोनोपोली कंट्रोल है गवर्नमेंट का, और कोई भी प्राइवेट फर्म उसमें नहीं आ सकती हैं। फिर आता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब कि जो रेलवे दे रहा है वो और कोई चीज़ नहीं दे पा सक दे सकता है। ठीक है, रेलवे जो सर्विसेज दे सकता है वो और कुछ नहीं दे सकता है। आपको प्लेन में जाना है तो आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, अगर ट्रेन या बस से तो आपको टाइम और ज़्यादा लगेगा, रेलवे का को और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, सिर्फ हम हैं, तो हम डिसाइड कर ही सकते हैं कि हमको क्या लेना है। ठीक है, प्राइस जो सेट करना है वो मेरे ऊपर है, वो मेरी मर्जी, हम क्यों क्या करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें हर एक बायर के लिए डिफरेंट प्राइस होते हैं। जैसे रेलवे में क्या होता है, स्लीपर के लिए अलग अलग प्राइस होता है, AC 3 टियर के लिए अलग, AC 2 टियर के लिए अलग, AC 1 टियर के लिए अलग, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के ऊपर। जो जितना ज़्यादा पैसे वाला होगा उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस लिया जाएगा, और जो थोड़ा कम होगा वो कम लिया जाएगा। अब ऐसा इसलिए होता है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को सबके लिए सोचना पड़ता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी उसका होता है, इसलिए जनरली मोनोपोली कंट्रोल होता है गवर्नमेंट के पास। सो मोनोपोली का हो गया वन सेलर, रिस्ट्रिक्शंस और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं, और फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, और एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मोनोपोली जो स्ट्रक्चर है वो कैसे अराइज होता है। तो इतनी देर से हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला तो आता है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है, सो गवर्नमेंट लाइसेंस दे सकती है किसी एक इंडिविजुअल फर्म को कि हाँ सिर्फ आप ही ये प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो या फिर गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है कि इस सेक्टर पे सिर्फ मेरा ही होगा, जैसे डिफेंस पे सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, रेलवेज पे खुद गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है, या किसी भी प्राइवेट फर्म को बोल दे कि सिर्फ लाइसेंस दे दे गवर्नमेंट कि सिर्फ ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ आप बना सकते हो, तो ये हो गया गवर्नमेंट लाइसेंसिंग। अब आता है पेटेंट राइट्स। जनरली आपने बहुत सुना होगा कि इनके पास इतने सारे पेटेंट राइट्स हैं, जनरली साइंटिस्ट या फिर जो इन्वेंट्रीज और इन्वेंशन जो लोग करते हैं उन लोग पेटेंट राइट्स कहते हैं। पेटेंट राइट्स होता है कि ऑफिशियल एक रिकग्निशन होता है कि मेरे अलावा
इस चीज़ का कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, ये होता है पेटेंट राइट, ठीक है। ये जनरली लोग इन्वेंशंस पे लेते हैं कि मैंने ये इन्वेंट किया है और कोई ये कॉपी नहीं कर सकता, सिर्फ ये मेरा है। तो इस हिसाब से तो वो सिंगल हो गया, सिंगल एंटिटी हो गया जो उसको बेच सकता है, इसलिए मोनोपोली हो गया। फिर आता है कार्टल्स। कार्टल्स ये होता है कि एक ग्रुप या फर्म्स जो मिल के कॉम्पिटिशन अवॉइड करना चाहते हों, तो हो सकता है कि चार पांच फर्म्स हैं वो एक टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि कंपटीशन ख़त्म हो जाए। तो वो पांचों मिलके एक कार्टल बनाते हैं, एक अग्रीमेंट बनाते हैं कि अब हम लोग एक साथ काम करेंगे। तो उससे क्या, वो पांचों मिलके अब एक साथ काम रहे हैं, तो वो सिंगल सेलर हो गए। तो ये मोनोपोली हो गया क्योंकि वो सिंगल सेलर हैं, उनके बहुत सारे बायर्स हैं। या हो सकता है कोई नेचुरल अकरेंस हो। नेचुरल अकरेंस मतलब कि मान लीजिए कि कुछ एक आइलैंड है जिसपे सिर्फ एक रिवर है, ठीक है। तो वो एक तरीके से मान लीजिए वो भी एक मोनोपोली हो गई कि जितना भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सिर्फ जो रिवर का काम होगा, जो भी इंडस्ट्री वो सिर्फ उसी पे लेगा, ठीक है। तो उस पे भी जो है किसी का कंट्रोल नहीं है, वो एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई तो वाटर तो बहुत जगह एनर्जी सोर्स भी है ही, ठीक है। सो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, पेटेंट राइट्स, कार्टल्स और नेचुरल रिकरेंस, ये हो गए मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। एक छोटी सी चीज़ और है, वो हमने रेवेन्यू चैप्टर में ही पढ़ा था और वही चीज़ हम लोग को इस वाले में भी देखना है। ये प्योरली थ्योरेटिकल है, बस इसमें यही एक तीन ग्राफ है जो आपको याद रखने हैं। हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी, रेवेन्यू चैप्टर में हमने देखा था कि रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व जो है सेम होता है किसी भी फर्म के लिए, ठीक है। तो उस वही चीज़ हम लोग यहाँ रिपीट करने वाले हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू कर्व कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक है। तो हमको ये भी पता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक कैसे बनता है, वो था इस तरह का। तो ये रेवेन्यू कर्व हो गया क्योंकि प्राइस सेम है, ठीक है। और मैं डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पर अच्छी तरह बात किया हुआ है। और ये रेवेन्यू कर्व हमारा मोनोपोली मार्केट का, और ये है मोनोपोलिस्टिक मार्केट का। मोनोपोली मार्केट में प्राइस जो है, प्राइस मोनोपोली मार्केट में जो प्राइस मेकर होता है, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है, ठीक है। प्राइस मेकर मतलब कि प्राइस वो अपने आप एडजस्ट कर सकता है अपने हिसाब से, लेकिन ऑब्वियसली बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा ही। तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे उसका बढ़ेगा उसका डिमांड, ठीक है। तो इसलिए इस हिसाब से जो है ग्राफ इस तरह का उसका नीचे आता है, और जैसे जैसे नीचे आएगा उसका रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। और मैक्सिमम आपको पता ही, जब एम आर इज इक्वल टू जीरो होता है तब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो और परफेक्ट कंपटीशन प्राइस टेकर इसलिए होता है क्योंकि ऑलरेडी एक सेट प्राइस उसको दिया हुआ रहता है कि इसी, ये है मार्केट प्राइस, इसी पे आपको बेचना, आप चाहे कितना भी यूनिट्स आप बेच सकते हैं इस पे। और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि मोनोपोली का कोई जो है कॉम्पिटिटर है नहीं। तो क्योंकि मोनोपोली का कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो ज़्यादा जो है अपने हिसाब से प्राइस चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जितना फ्लैटर होगा, आपको याद है जितना फ्लैट कर्व होता है उतना ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो इस वाले का थोड़ा कम है और इस वाले का ज़्यादा है। अब क्योंकि इस प्राइस अपने हिसाब से कर सकता है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा चेंज वो करेगा नहीं, ठीक है, वो अपने हिसाब से करता रहेगा चेंज। तो इसलिए मोनोपोली में लेस इलास्टिक होता है और मोनोपोलिस्टिक में ज़्यादा इलास्टिक होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और ओलिगोपोली क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।